असलम गाइज़ वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है आमना आई डू मेकअप ट्यूटोरियल्स एंड एवरी थिंग रिलेटेड टू फैशन एंड ब्यूटी सो आज मैं विज़िट करी हूँ वीगास डॉट पी के की आउटलेट और आपको भी अपने साथ लेकर जाऊँगी और दिखाऊँगी कि वहाँ कौन कौन से ब्रांड्स मिलते हैं क्या कौन कौन सी कुलेक्शन अवेलेबल हैं विगास डॉट पी के की अभी रिसेंटली एक आउटलेट लाहौर में ओपन हुई है इन जीनवा मॉल आई होप आई एम प्रोनाउंस इट करेक्टली तो वेगा स्टॉक पी के इज़ बेसिकली अ वेबसाइट जहाँ पे औरिजिनल इंटरनेशनल लोकल हाई एंड एंड ड्रग स्टोर बोथ ब्रांड्स पड़े होते हैं ठीक है एंड आई आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू विज़िट इससे पहले इनकी इस्लामाबाद में एक ब्रांच थी काफ़ी बड़ी और अब लाहौर में ओपन हुई है और ऑल ओवर पाकिस्तान आप इनकी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं जीनवा मॉल जो है वो गुलबर्ग में है uh, मैं आप गूगल मैप्स पे सर्च करें हम भी गूगल मैप्स के जरिए पहुँचे थे

हेयर केयर हर चीज़ हेयर से रिलेटेड थी लेकिन मैंने सिर्फ मेकअप वाला सेक्शन ही विज़िट किया है एंड इज इज़ेगा डॉट पी के तो चलिए जी अब मैं आपको ब्रांड्स दिखाना शुरू करती हूँ शुरुआत करते हैं मिलानी से एज यू कैन सी दीज ऑल प्रोडक्ट्स आर फ्राम मिलानी उनके पास वैसे स्किन केयर की भी काफ़ी अच्छी रेंज थी लाइक न्यूट्रोजीना बॉडी शॉप एंड जेंसन्स दैन दे हैव दिस स्कॉट ईयर्स पन का लूज पाउडर उसके बाद वी हैव वेट एंड वाइल्ड वेट एंड वाइल्ड की उनके पास बहुत ज़्यादा रेंज थी दिज ऑल आर लिपस्टिक्स एज यू कैन सी और उनके आगे जो टुमकनियाँ पड़ी हुई हैं वो उनके टेस्टर्स हैं उसके बाद दे हैव हाई लाइटर्स प्रेशर्स पेटल जो कि आउट ऑफ स्टॉक भी हुआ हुआ था वी ऑल नो हाउ फेमस डैट इज़ दैन दे हैव द आई शेडो पैलेट्स आई शेडो पैलेट्स भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे इवन उन सबके टेस्टर्स भी पड़े हुए थे उनके पास नेक्स्ट उसके टॉप शेल्फ पे वेट एंड वाइल्ड का ही सारा बेस मेकअप का सामान है लाइक पाउडर्स प्राइमर्स कंसीलर्स फाउंडेशन फाउंडेशन उनके पास स्टिक भी पड़ी हुई थी और लिक्विड भी पड़ी हुई थी और एक और बात वो जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी फोटो फोकस फ़ाउंडेशन में उनके पास औरिजिनल और डी वी वर्जन दोनों पड़े हुए थे और मैंने डी वी वर्जन ख़रीदा भी था मैंने ज़्यादा चीज़ें तो नहीं ख़रीदी थी मैंने जस्ट एक फाउंडेशन ही बाई की थी उसके बाद है ब्यूटी क्रिएशंस बिच आई वाज रियली शॉक टू सी कि उनके पास ब्यूटी क्रिएशंस भी पड़ा हुआ था और एल्फ के हाइलाइटर्स की उनके पास बहुत ज़्यादा रेंज थी बेग्ड हाइलाइटर्स की मैंने उसके बारे में काफ़ी तारीफ़ सुनी हुई या मैंने टेस्ट तो नहीं किए थे दैन दे हैव एल्फ़ की फाउंडेशन एंड प्राइमर्स एल्फ के वैसे प्राइमर्स काफ़ी हैं लाइक लिप प्राइमर्स लैश प्राइमर्स फेस प्राइमर्स काफ़ी प्राइमर्स हैं एल्फ के टॉप शेल्फ पे भी एल्फ ही पड़ा हुआ है नेक्स्ट इज़ बाम कॉस्मेटिक्स बाम कॉस्मेटिक्स की उन्होंने सारी जो फ़ेमस फेमस प्रोडक्ट्स हैं वो उनके पास सारी पड़ी हुई थी जैसे कि आप देख सकते हैं उसके बाद है टार्ट टार्ट का उनके पास बहुत सारा सामान तो नहीं था लेकिन शेप टेप उनके पास था और शेप टेप में उनके पास काफ़ी शेड्स भी पड़े हुए थे उसके बाद उनके पास रूट कॉस्मेटिक्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी बहुत रेंज थी उनके पास रूट कॉस्मेटिक्स की एज यू कैन सी ये सब कुछ रूट कॉस्मेटिक्स की ही प्रोडक्ट्स हैं आई शेडो पैलेट्स हाई फेस पैलेट्स फाउंडेशन सब ही पड़ा हुआ था उनके पास रूट कॉस्मेटिक्स का फिर आ जाता है निक्स निक्स और एनवाइस वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट निक्स की उनके पास लिपस्टिक्स फाउंडेशंस कंसीलर्स प्राइमर्स की बहुत ज़्यादा रेंज थी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी एज यू कैन सी उनके पास बुलेट्स और सॉफ्ट मेट लिप क्रीम्स में भी काफ़ी शेड्स अवेलेबल थे ये सारे प्राइमर्स एंड पाउडर्स फाउंडेशन वगैरह पड़ी हुई हैं और सब फाउंडेशन और कंसीलर्स वगैरह में मल्टीपल शेड्स भी अवेलेबल थे जैसे कि आप देख सकते हैं पाउडर्स में भी उनके पास शेड्स अवेलेबल थे मुझे उनका डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा लगा इट वॉज़ रियली प्रिटी नाउ लेट्स मूव टू द वेरी एक्सपेंसिव ब्रांड्स द एंड ब्रांड्स लाइक मैक मैक एंड नार्ज नार्ज उनके पास काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था टॉप शेल्फ़ पे भी नार्ज ही पड़ा हुआ है इससे बॉटम शेल्फ पे भी नार्ज ही पड़ा हुआ था उसके बाद है हुदा ब्यूटी जिसकी सारी लिप किट्स एंड लिक्विड लिपस्टिक्स पड़ी हुई हैं उस टॉप शेल्फ़ पे है उनका कंसीलर और फ़ाउंडेशन फॉक्स फ़िल्टर फॉक्स फ़िल्टर में उनके पास बहुत शेड्स अवेलेबल थे तो अगर आपने फॉक्स फ़िल्टर लेनी है तो आपको वहाँ अपनी मर्जी का शेड मिल ही जाएगा उसके बाद ये था सारा मेकअप फॉर एवर उनकी भी काफ़ी फ़ाउंडेशन इनके पास पड़ी हुई थी उनके पास इतने ज़्यादा ब्रांड्स हैं कि मैं सब कुछ दिखाने बैठूँ तो वीडियो आधे घंटे से भी लंबी बन जाएगी उसके बाद आता है रेवोल्यूशन माई मोस्ट फेवरेट ब्रांड विगास पे रेवोल्यूशन में स्किन केयर काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थी एज यू कैन सी उनके सीरम्स और फेस मास्क वगैरह काफ़ी पड़े हुए थे उनके पास रेवोल्यूशन की हर चीज़ ही बहुत कमाल है आई शेडो पैलेट्स फाउंडेशन हाईलाइटर्स और मज़े की बात सब कुछ अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाता है जो कि बेस्ट बात है रेवोल्यूशन की मैंने काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स अपने काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स में इस्तेमाल की हुई हैं तो कुछ के लिंक मैं आई बटन में भी दे दूँगी तो आप जाके देख सकते हैं और उनके पास रेवोल्यूशन की बाकी लाइंस के प्रोडक्ट्स भी पड़ी हुई थी जैसे कि आई हार्ट रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशन प्रो फिर ये सारी प्रोडक्ट्स एसेंस की हैं और मैं देख के काफ़ी खुश हुई थी कि यहाँ एसेंस पड़ा हुआ है क्योंकि एसेंस अब हर जगह से उठ गया है मेकअप सिटी पे होता था वहाँ से भी उठ गया अलफेह पे होता था वहाँ से भी उठ गया जिसकी रीज़न तो मुझे नहीं पता लेकिन जिसने भी एसेंस की प्रोडक्ट्स लेनी है वो यहाँ से आके ले सकते हैं उसके बाद है एले गर्ल जिनके प्रो एच डी कंसील कंसीलर और जस्ट ब्लशिंग ब्लशर की मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ एले गर्ल में तो सब प्रोडक्ट्स में ही शेड वैरायटी इतनी ज़्यादा थी कंसीलर्स में ब्लश ऑनस में क्रीम कॉन्टोर में और फ़ाउंडेशन्स वग़ैरह में भी इतनी ज़्यादा वैरायटी थी एज़ यू कैन सी टॉप शेल्फ़ पे सारी उनकी फ़ाउंडेशन्स पड़ी हुई हैं इवन उनके पास बीबी क्रीम के भी इतने ज़्यादा शेड्स अवेलेबल थे ये सारा एले है उसके बाद आ जाता है ज़ूश ज़ूश की आई थिंक ये जो लिपस्टिक्स हैं न्यू लॉन्च हैं उसके बाद है मुसरत मिसबा ऑन द टॉप शेल्फ़ ये है जी हेयर केयर सेक्शन जो कि अभी मैंने विज़िट नहीं किया था ये भी काफ़ी बड़ा था तो अब मैं बैठ चुकी हूँ गाड़ी में और अब हम जा रहे हैं घर वापस घर वापस जा के मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया था सो so गाइज़ अब मैं घर वापस आ चुकी हूँ और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या बाय किया था सबसे पहले मैंने लिया था Garnier का माई सीलर वाटर बिकॉज मेरा पिछला ख़त्म हो गया था एंड आई नीडेड इट नेक्स्ट इज़ द फाउंडेशन आई वॉज टॉकिंग अबाउट आई इट इन द शेड क्लासिक बेज इसके साथ अगर आप ये वीडियो बाद में देखें और इसके साथ का ट्यूटोरियल अपलोड हो चुका होगा तो मैं लिंक आई बटन में दे दूंगी नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो गाइज दिस इज़ इट फॉर आज की वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मिलते हैं अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज